ये एक बैंक वैन रॉबरी थी निम्बोला थाने की, और 31/5/2017 को ये धूलकोट में बैंक है शाखा है नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की, ये बुरहानपुर के सनवारा मुख्य ब्रांच से 25 लाख रुपए लेकर जा रही थी। तो हेला घाट के पास आरोपी भूर सिंह ने मोटरसाइकिल से इशारा किया आरोपी गण को, पीछे आ रहे थे तो 6 आरोपी गण आए, उन्होंने पत्थर मार के वो गाड़ी को रोक लिया, और उसमें बैठे थे फरियादी विनोद और नारायण, उनसे मतलब चाबी वगैरह छुड़ाने की कोशिश की, चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़ के 2 पेटी जिनमें कैश रखा हुआ था 25 लाख वो लेके पहाड़ी तरफ भाग गए। प्रकरण उस समय थाना निम्बोला में अज्ञात के नाम से दर्ज हुआ था, बाद में मुखबिर की सूचना पर से और वहाँ घटना स्थल पर आरोपी गण के लोकेशन वगैरह ये सब पाई जाने से और उनके खिलाफ मतलब ये मामला बनाया गया 395 का, और आरोपी गण की शनाख्त कराई गई बाद में। उन्हीं जो नारायण और विनोद गाड़ी में थे वेन में थे उनने पहचान की, तो उनने आरोपी गण को पहचाना कि यही है जिन्होंने हमारे साथ डकैती की थी और मारपीट की थी। तो धारा 395 में न्यायालय ने सभी को मामला पूरी तरह से प्रमाणित पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंड से दंडित किया। सर ये 7 आरोपी है, 7 आरोपी हैं इसमें, ये कहाँ के हैं? ये वही धूलकोट के आसपास के हैं कहीं, और इसमें रामा बुधन हीरा द्वितीया सुरला बहादुर और रामा और भूर सिंह हैं, तो ये 7 आरोपी थे। तो ये वहीं आसपास के गांव के हैं, और इन्होंने बैन को पहले काफ़ी पहले से मतलब लगातार निगरानी में रखा कि ये बिना गार्ड के आती जाती है, इसलिए ये घटना दिनांक को भी अकेली जा रही थी 25 लाख रुपये लेके, तो ये घटना कारित कर दी। सर आपका शुभ नाम? कैलाश नाथ गौतम, जिला अभियोजन अधिकारी।